नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अपना फोकस शुरू कर दिया है। कोरोना काल में सरकारी व्यवस्थाओं से उनके वोटर्स जो नाराज हैं उनको मनाने की कवायद शुरू हो गई है। बल्कि यूं कहें कि वोटर्स की नर्व्स टटोलने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे मोर्चे की कमान संभाले हुए हैं और नए नए प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने यूपी के 800 लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिसमें मोदी शाह फोन पर बात करेंगे और उनसे सीधे वो कनेक्ट होकर के पूछेंगे कि उन्हें कहाँ कमी लगी, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी, क्या चीज़ उनको बुरा लगा। और मोदी और शाह इन लोगों से ये पूछेंगे कि प्रदेश की भाजपा सरकार कैसी चल रही है, उनके कामकाज से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी के कामकाज से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं और कोरोना काल में सरकार से कहाँ चूक हुई, जनता कितनी संतुष्ट है, खामियों को कैसे सुधारा जा सकता है, अगले विधानसभा चुनाव के लिए वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने कारगर रहेंगे। और यूपी में भी एक एक सीट का जो है फीडबैक लिए जाने की तैयारी हो रही है। अलग अलग पैरामीटर पे हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और टिकट वितरण से पहले इस रिपोर्ट कार्ड को आधार बनाया जाएगा। भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है हर हाल में यूपी में अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए कई तरह के काम चल रहे हैं, कई स्तर पे सर्वे हो रहे हैं लगातार। भाजपा के पिछले 3 सर्वे 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर के काफ़ी चिंताजनक रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट आई है उनसे बीजेपी के शीर्ष नेता जो है काफ़ी चिंतित हैं। अब इस चिंता के समाधान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। इस क्रम में अब मोदी और शाह प्रदेश में संघ और भाजपा की मानसिकता वाले पुराने जुझारू लोगों से फोन पर बातचीत की जा रही है। इस बातचीत का मकसद ये है कि प्रदेश में किस वर्ग के लोगों में ज्यादा गुस्सा है और उसे किस तरीके से काम डाउन किया जा सकता है। चुनिंदा प्रश्नों के माध्यम से इन जमीनी लोगों से राय ली जाएगी। लोगों से मिली सलाह के बाद आगे की जो है स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का यूपी का जो चुनाव है वो भाजपा के लिए एक तरह से सेमीफाइनल की तरह होगा। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो पूरे उत्तर भारत के राज्यों का रुख तय करेगा। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। जो भी यूपी में रिजल्ट्स रहते हैं, जो यूपी के राजनीति कुछ कहती है, वही राजनीति अन्य राज्यों में भी काम करती है। लगभग अन्य राज्यों में भी वही स्ट्रेटेजी काम करती है। यूपी विधानसभा 2022 का सीधा असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलने वाला है। इसलिए भाजपा में मंथन का दौर चल रहा है। इस समय 2017 से अब तक सभी विधानसभा में विधायकों के जो उनके काम करने का तरीका है उसकी कुंडली नए तरह से खंगाली जा रही है। इसमें सरकार के कार्यों को लेकर के जनप्रतिनिधियों की सक्रियता पे माइक्रो लेवल पे जा करके उसको देखा जा रहा है। इस रिपोर्ट कार्ड के बाद गुजरात की तर्ज पे बड़ी संख्या में टिकट वितरण की रणनीति तय की जाएगी। ठीक ऐसा ही फार्मूला सरकार जो है गुजरात के चुनाव में कर चुकी है। मोदी के जो बेहद भरोसेमंद जाने जाते हैं AK शर्मा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चुनिंदा नामों की एक सूची बनाई है जिनसे फीडबैक लिया जा रहा है। और AK शर्मा 2 दिन पहले यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है उन्हें। पहले शर्मा को यूपी का उप मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें चल रही थी, लेकिन फिर उन्हें संगठन में जगह दी। और ये जो उन्हें संगठन में जगह दी गई है ये बहुत सोच समझ के दी गई है, क्योंकि उन्होंने अंदर खाते जो बीजेपी के विधायक हैं उन सबकी एक कुंडली तैयार की हुई है। वो एक राउंड मोदी से बातचीत कर चुके हैं, शाह को भी अपनी रिपोर्ट दिखा चुके हैं, इसीलिए उनको अपने भरोसे का
व्यक्ति मानते हुए उन्हें यूपी में उतारा गया है कि वो सब चीजों पे नजर रखें, कौन किस वजह से नाराज है इसको वो देखें, किसको किस तरीके से खुश किया जा सकता है इसके लिए वो स्ट्रेटजी तैयार करें, इसके बाद ही टिकटों का वितरण होगा। तो दोस्तों ये थी यूपी से जुड़ी हुई खबर। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर एक कीजिएगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।